80 और 90 के दशक में कड़ी मेहनत और लगन से काम करने वाले बहुत सारे सितारों ने इतना अच्छा काम कर दिखाया था कि उनकी वजह से उनकी सारी फिल्में हिट साबित हुई थी, जिसे लोग आज भी देखना खूब पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप 80 और 90 के दशक के उन दमदार सितारों के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप कभी उनके रियल लाइफ बच्चों से मिले हैं जो इनकी तरह बहुत अच्छे हैं और कुछ न कुछ काम करके लाइफ में खूब आगे बढ़ रहे हैं? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको पुराने जमाने के टॉप 5 सितारों के रियल लाइफ प्यारे प्यारे बच्चों से ही रूबरू कराएंगे, जिनसे मिलकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो फिर आइए मिलते हैं उनसे। नंबर 1 पर है आशा शर्मा। एक अच्छी माँ के रूप में अपने ऑन स्क्रीन बच्चों पर प्यार लुटाने वाली एक्ट्रेस आशा शर्मा की कभी शादी ही नहीं हुई है, इसलिए इनके कोई भी बच्चे नहीं है। नंबर 2 पर है किमी काटकर। टार्जन और जैसी करनी वैसी भरनी जैसी फिल्मों में काम करके मशहूर हुई एक्ट्रेस किमी काटकर आज एक बेटे शांत शांतनु शौर्य की माँ है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है और अपने काम को लेकर हमेशा इतने सीरियस रहते हैं कि वो अपने काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और दिखने में भी ठीक ठाक नजर आते हैं, जिससे एक्ट्रेस बहुत प्यार करती हैं। नंबर 3 पर है दीपा शाह। बहुत ही कम समय में बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेस बनी दीपा शाह की यूं तो 2 बार शादी हुई है, फिर भी इनके कोई बच्चे नहीं है, जिसके चलते आज बिना संतान के बेहद उदासी भरी जिंदगी जी रही हैं। नंबर 4 पर है अनु कपूर। मशहूर गायक और दमदार एक्टर अनु कपूर की बात करें तो आज अपने 4 बच्चों के पिता हैं, जिनका नाम आधारिता, माहिर, इवान और कावम कपूर है। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ इनके 3 बेटे माहिर, इवान और कावम भी छोटे हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, पर इनमें सिर्फ 1 की ही फोटो मौजूद है। वहीं इनकी बेटी आधारिता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। नंबर 5 पर है शिल्पा शिरोडकर। 90 के दशक की असली रानी कही जाने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी आज एक खूबसूरत सी बेटी अनुष्का की माँ है, जो अभी काफी छोटी हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं, जिनसे एक्ट्रेस इतना प्यार करती हैं कि इनके दिन की शुरुआत भी अपनी प्यारी सी बेटी अनुष्का से ही होती है। तो दोस्तों, क्या आप इन सितारों के इन प्यारे प्यारे बच्चों से पहले भी मिल चुके हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दमदार खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।